Hello everyone, I am Samir Islam. Today in this video, I am going to discuss about multiplexer. तो आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट फॉर्म जो लिखा जाता है MUX से भी डिनोट किया जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर में जो हम लोग उतना ही जानेंगे जितना हमें जो हम लोग नेट गेट TIFR वगैरह में जितना क्वेश्चन आता है उनको अप्रोच करने के लिए सिर्फ हम लोग मल्टीप्लेक्सर के बारे में जितना जानना जरूरी है उतना जानेंगे, बाकी डिप में हम लोग उतना नहीं जाएंगे। क्वेश्चन करने के लिए जितना हमको जानने की जरूरत है उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताते हैं मल्टीप्लेक्सर क्या है। और शुरू में ये चीज मैं बता देता हूँ, मल्टीप्लेक्सर के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मल्टीप्लेक्सर कैसे दिखता है, मल्टीप्लेक्सर को डिनोट कैसे किया जाता है, और एक चीज जो है मल्टीप्लेक्सर ऑपरेशन कैसे होता है वो चीज मैं बताऊंगा, और एंड में मैं ये बताऊंगा कि यहाँ से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आने वाले वीडियो में मैं इसके इस पे जो सवाल बनते हैं वो सवाल आप लोगों के सामने लाऊंगा और डिस्कस करूंगा कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस, व्हिच हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर हैव सिंगल आउटपुट, सो आउटपुट इज हियर एंड इट हैव मल्टीपल इनपुट्स, सो हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर। सो इसके लिए हमको जो यहाँ पे एक चीज और रहता है वो है सिलेक्ट लाइन। तो सिलेक्ट लाइन इस तरफ रहता है, यहां से देखिए सिलेक्ट लाइन में कितना सिलेक्ट लाइन होगा। सिलेक्ट लाइन हो सकता है 1 से लेकर n तक हो सकता है, ठीक है, 1 से लेकर n तक हो सकता है। तो इस तरफ आ गया इसका सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो अब जो सिलेक्ट लाइन आ गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कितना इनपुट, मल्टीपल इनपुट्स है ना, तो कितना इनपुट यहां पे, इनपुट लाइन यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल इनपुट लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन की नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी, इनपुट लाइंस होंगी, वो उसकी वो होंगी 2n के बराबर। n क्या है, n है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज पता चला, यहाँ पे आपको ये चीज, इस तरफ इनपुट है, इस तरफ आउटपुट है, और नीचे जो है सिलेक्ट लाइन है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ रहता है, और 2n नंबर ऑफ इनपुट लाइन इनपुट में रहता है, और इस तरफ जो होता है एक ही सिंगल लाइन रहता है। तो ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर में अच्छा तो दिखता है इस तरीके से है। अब जो है हम लोग बात करेंगे डिनोट कैसे किया जाता है मल्टीप्लेक्सर को। तो मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पे देखिए डिनोट ऐसे किया जाता है, इस तरफ इनपुट कितना कितना लाइन है इनपुट का, 2n, तो 2n 2 कितना 1, तो 2n 2 1 मल्टीप्लेक्सर लिखा जाता है, या इसका दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं 2n क्रॉस 1 भी आप लोग देखोगे कहीं कहीं पे, ये भी ये फॉर्म भी देख सकते हो कहीं कहीं पे, ये भी लिखा जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है वो है MUX से डिनोट किया जाता है। तो इतना ही जो है कि मल्टीप्लेक्सर का फॉर्मेट जो है इस तरफ 2n नंबर ऑफ लाइंस रहेगा, n जो है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, और एक ही आउटपुट रहेगा। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर के केसेस के बारे में। अच्छा, n की वैल्यू तो वहां देखा हमने, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से n की वैल्यू हो सकती है। तो n की वैल्यू
अगर ऑन ले, ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर वन ले, केस केस मान लीजिए ये केस वन, ठीक है, तो एन की वैल्यू हम लोग लेते हैं पहले एन इज इक्वल्स टू वन, तो एन इक्वल्स टू वन लेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन क्या हुआ वन, नंबर ऑफ इनपुट लाइन क्या हो जाएगा टू टू द पावर एन, दैट मीन्स टू टू द पावर वन दैट इज इक्वल टू 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 द पावर वन दैट इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर इन एक सिलेक्ट लाइन और दो इनपुट लाइन से मल्टीप्लेक्सर क्या बनेगा, टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर बनेगा। जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा उसका क्या कैसे डिनोट करेंगे, टू क्रॉस वन को। अच्छा चलिए, दिखने में कैसा होगा, दिखने में एक यहाँ पे बॉक्स रहेगा, यहाँ पे बॉक्स रहेगा जिसका यहाँ पे आउटपुट कितना है, आउटपुट है एक और इनपुट कितना है दो, तो यहाँ पे दो इनपुट और सिलेक्ट लाइन कितना है, यहाँ पे आपको जो सवाल में दिया हुआ होगा, सवाल में टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ होगा या फोर क्रॉस वन या एट क्रॉस वन, वहां पे एन की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो ज्यादातर नहीं लिखा हुआ होता है, तो एन की वैल्यू आपको यहाँ से पता करना होगा कि टू टू द पावर एन होता है ना ये फॉर्म, तो टू टू द पावर यहाँ पे एन की वैल्यू वन, तो यहाँ एक सिलेक्ट लाइन है, तो मान लिया कि यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिला उसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे जो सिलेक्ट लाइन हमने दिया उसको ए से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हम लोग इनपुट लाइन दे रहे हैं, एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे डी जीरो लिखिए, यहाँ पे डी वन लिखिए, ठीक है, तो डी जीरो डी वन इनपुट मतलब यहाँ पे कुछ देंगे, इसको नाम देते हैं, इस लाइन का नाम देते हैं डी जीरो, इस लाइन का नाम देते हैं डी वन। अब जो करना है, अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को वाई की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लेक्सर में जो ऑपरेशन होता है वाई की वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए, वो हम लोग करते हैं किस रूल को फॉलो करके, एस ओ पी को फॉलो करके। एसओपी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो एसओपी को फॉलो करके हम लोग करते हैं। तो अब जो है कि यहाँ पे एसओपी, अच्छा अब आइए, ए है कितना बिट है, एक ही बिट है, तो एक बिट का बाइनरी में कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, जीरो वन, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा, तो जीरो वन ही हो सकता है। चलिए एसओपी का रूल फॉलो करते हैं, तो एसओपी का, एसओपी में जीरो को, जीरो जहां रहता है उसको क्या मानते हैं, ए बार, बार से डिनोट होता है ना, और जहां वन रहता है उसको सिर्फ वेरिएबल, ये तो एक वेरिएबल है, तो इसका वेरिएबल का बार, और ये विदाउट एनी बार यहां लिखेंगे, ठीक है। एसओपी में क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट करते हैं फिर सम करते हैं, तो प्रोडक्ट करेंगे पहले, अच्छा ये जीरो हुआ तो इसका डेसिमल वैल्यू भी जीरो आता है, इसका डेसिमल वैल्यू वन आता है, तो जीरो का, जीरो जो ये वाला मतलब ये जो सिलेक्ट लाइन है उसका दो पॉसिबल सेट हमें यहाँ पे मिला, पहला सेट ऑपरेट करेगा, जीरो जो है वो ऑपरेट करेगा डी जीरो पे, और वन जो है ऑपरेट करेगा डी वन पे, तो चलिए ऑपरेट यहाँ पे कराइए, तो क्या आ जाएगा आपका, जीरो जब होगा तो यानी आपको क्या मिला यहाँ पे, वेरिएबल ए बार, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे ए बार, अच्छा किस पे ऑपरेट हो रहा है, डी जीरो पे, तो यहाँ लिखेंगे डी जीरो। अच्छा दूसरा हम क्या करेंगे, सम करेंगे, पहले प्रोडक्ट कर लिया फिर सम, फिर और जो कंपोनेंट होगा फिर प्रोडक्ट करेंगे, यानी सम प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, तो यहाँ क्या है वन है और किस पे ऑपरेट कर रहा है, डी वन पे ऑपरेट कर रहा है, तो वन का जो किससे डिनोट करें, ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि एसओपी में जीरो को बार से डिनोट करते हैं, वन को बार से डिनोट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ए लिख देंगे सिर्फ, और किस पे ऑपरेट कर रहा है, डी वन, तो आपको जो मिल गया यहाँ पे ये चीज हो गया वाई। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको वन दिया हुआ है इनपुट में, डी जीरो के इनपुट में वन दिया हुआ है और यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, तो ठीक है, तो डी जीरो की वैल्यू क्या दिया हुआ है, वन, यानी ए बार इंटू वन प्लस ए इंटू जीरो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिला ए वाई इक्वल्स टू ए बार, ठीक है ना, वाई इक्वल्स टू ए बार, तो ये जो चीज है आपका इस तरीके से ऑपरेट करता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि
और कैसे एक केस देखते हैं एन इक्वल्स टू टू को लेकर, कि एन इक्वल्स टू टू को लेकर कैसे होता है वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए एन इक्वल्स टू टू लेते हैं, तो कितना क्रॉस कितने का मल्टीप्लेक्सर बनेगा, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे बनेगा। तो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनेगा तो दिखेगा कैसे, ये इस तरीके से दिखता है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 1 आउटपुट इस तरफ जो होगा आउटपुट, इस तरफ जो होगा इनपुट, यानी 1 वो होगा आउटपुट में। अच्छा सिलेक्ट लाइन कितना है, सिलेक्ट लाइन है 2, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है, ऐसे भी आप इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि 2 सिलेक्ट लाइन है, तो ठीक है। अच्छा और इनपुट कितना है, इनपुट है 4, यानी 1 2 3 4, ठीक है। चलिए इतना तो आ गया। अब जो है हम लोग करेंगे कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर हो गया, अब इसको ये है 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे वाई मिला हमको आउटपुट, अच्छा ए था वहां दिया था, यहाँ एक और चीज दे देते हैं बी। अच्छा वहां D0 से शुरुआत किया था, D0 D1 D2 D3, ठीक है ना, इतना तो हमने कर दिया अभी। अब जो है हमें y निकालना है, क्या करना है y निकालना है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी 2 बिट का है, 2 बिट का सेट कितना बनेगा, पॉसिबल सेट कितना बनेगा, 4 बनता है, जैसे कि दिखाता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अलावा बनेगा नहीं। कैसे, आप लोगों को अगर 2 बिट दिया हुआ है तो 4 मिला, 1 बिट दिया हुआ है 2 मिला, 3 बिट दिया हुआ होगा तो 8 सेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग मान के चले कि आपके पास अगर एन बिट है तो आपको 2 टू द पावर n नंबर ऑफ सेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें 4 सेट मिला, तो इसका डेसिमल वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए इस तरफ लिखते हैं। इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, 0, इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, इसका डेसिमल वैल्यू 1, इसका डेसिमल वैल्यू क्या है 2, इसका डेसिमल वैल्यू है 3, ठीक है इस तरीके से। अच्छा तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, अब जो हमें करना है ऑपरेट कराना है। तो देखिए ऑपरेट, 0 जो ऑपरेट करेगा D0 पे करेगा, 1 जो ऑपरेट करेगा D1 पे करेगा, 2 जो ऑपरेट करेगा D2 पे करेगा, 3 जो ऑपरेट करेगा D3 पे करेगा। तो यहाँ तक तो सही है। अब जो हम लोग बात करेंगे क्या अप्लाई करेंगे, SOP का रूल फॉलो करके हम लोग वाई निकालेंगे, जो है कि यहाँ पे क्या है, पहले 0 है यानी 0 होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका बार लेना पड़ेगा, यानी ए बार, और यहाँ पे बी बार अप्लाई किस पे हो रहा है, D0 पे, तो यहाँ पे लिख दिया D0। किसी को SOP समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कि अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि SOP के लिए भी वीडियो चाहिए, तो मैं होगा तो अपलोड कर दूंगा। तो इसका क्या है, ए बार, ये है बी, और ये ऑपरेट कर रहा है D1 पे। तीसरा देखिए, ये है 1 है यानी ए लिख देंगे, इसके ऊपर ए है ना, इसी वजह से एक लिख रहे हैं। ये बी का है यानी यहाँ पे 0 है यानी बी बार, और ऑपरेट किस पे कर रहा है D2 पे, तो हमें मिल गया D2+, यहाँ पे देखिए 1 1 यानी ए बी D3, तो आपको जो आउटपुट मिला ये मिल गया। अच्छा चलिए एक चीज आपको और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा, पहले ऊपर और इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है D2 D1 D0, यानी अब यहाँ पे चेंज कर दिया, पहले D0 यहाँ से शुरू हो रहा था, अब नीचे से ऊपर यहाँ पे नीचे आ गया D0, फिर D1 फिर D2, तो अब ये वाला किस पे ऑपरेट करेगा, ठीक है सवाल यहाँ पे है, ये वाला किस पे ऑपरेट करेगा, ये वाला ऊपर वाले पे ऑपरेट नहीं करेगा, ये वाला ऑपरेट करेगा D0 पे, ठीक है, ये वाला ऑपरेट करेगा D1, यानी इसका आपका जो मतलब गलती ना हो, इसलिए आप क्या करिए कि आप जब भी कभी सेट लिखिए यहाँ पे जैसे 0 0 का डेसिमल लिख दिया मैंने, तो इसको यहाँ पे D0 लिखा हुआ है, कभी D0 से क्वेश्चन में लिखा हुआ पूछा जाता है, कभी I0 लिखा हुआ होता है, तो वो क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उससे वो उसका कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो लिखा हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऊपर से हम लोग काउंट करेंगे, अगर नहीं ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऊपर से हम लोग काउंट
इसको D0, D1, D2, D3 इस तरीके से लेंगे। अगर लिखा हुआ है तो जिसमें D0 लिखा हुआ है तो 0 उसमें ऑपरेट होगा, D1 इस पे ऑपरेट होगा, 2 इस पे ऑपरेट होगा, 3 इस पे ऑपरेट होगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल गया कि कैसे हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं। तो n=3 के लिए भी आप ये चीज कर सकते हैं, खुद से एक बार कोशिश कीजिएगा। n की वैल्यू 3 लेंगे, सेम चीज जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, आप खुद अपने कॉपी में करके देखिएगा खुद से, तो आपको ये जो चीज मैंने सिखाया है वो आपको सही से आप समझ पाओगे। ठीक है, वैसे भी वीडियो देख के आप अगर सही से देखो तो समझ लोगे। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको कि इसको मल्टीप्लेक्सर कैसे दिखता है, मल्टीप्लेक्सर को डिनोट कैसे किया जाता है, और मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन क्या है। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन जो है क्या क्या पूछा जाता है। 1 नंबर, जैसा कि यहाँ पे हमने क्या निकाला, एक मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है, कुछ इनपुट दिया हुआ होगा, वाई निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन से आपको मल्टीप्लेक्सर सॉरी मल्टीप्लेक्सर से आपको बुलियन एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। ये तो एक नंबर फॉर्म हो गया। दो नंबर में क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर में उल्टा, यानी आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि y=2 ab c + b c बार इस तरीके से कुछ दिया हुआ होगा, या कुछ भी दिया हुआ होगा, a+bc बार इस तरीके से कुछ दिया हुआ होगा। तो आपको जो है मल्टीप्लेक्सर, उसके करेस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लेक्सर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट मल्टीप्लेक्सर है इस बुलियन एक्सप्रेशन के लिए। हो सकता है आपको इस फॉर्म में भी बुलियन एक्सप्रेशन से भी पूछ सकते हैं, या मैथमेटिकल फॉर्म से भी, जैसे f=उस समेशन ऑफ 0 4 थ्री सॉरी 5 7 इस तरीके से कुछ पूछा जाएगा। तो इसका भी मतलब हो सकता है कि इसका मतलब क्या है, इससे आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे चीज मैं आपको बाद में एक वीडियो में बताऊंगा। तो मकसद ये है बताने का कि इन दो क्वेश्चन आपको ये दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि मल्टीप्लेक्सर कौन सा है। तीसरा चीज, मल्टीप्लेक्सर जो है कि यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जैसे कि नैंड नॉर आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, तो उसी तरीके से मल्टीप्लेक्सर जो है यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल जो सर्किट है, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट मल्टीप्लेक्सर है, तो इससे हम लोग कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं, तो इससे हम मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि मतलब ऑप्शन दिया हुआ 4x1 मल्टीप्लेक्सर से नैंड गेट बनाइए, 4x1 मल्टीप्लेक्सर से एडर बनाइए, कुछ भी आपको पूछ सकता है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और पूछा जाएगा कि मल्टीप्लेक्सर था तो मल्टीप्लेक्सर भी बनता है, तो ठीक है, ईंट से ईंट मिला के जैसे घर बनता है, तो उसी तरीके से छोटा मल्टीप्लेक्सर को जोड़ जोड़ कर भी बड़ा मल्टीप्लेक्सर हम लोग बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक छोटे मल्टीप्लेक्सर, जैसे कि आपको 64x1 मल्टीप्लेक्सर आपको फॉर्म करना है, किससे फॉर्म करना है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर से। ये बेसिक मल्टीप्लेक्सर, सबसे छोटा वाला मल्टीप्लेक्सर 2x1 है, तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर से आपको 64x1 मल्टीप्लेक्सर फॉर्म करना है। पूछा जाएगा कि कितना 2x1 मल्टीप्लेक्सर आपको जरूरत है 64x1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए। तो वीडियो यहीं तक, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन इससे दिखाएंगे आप लोगों को, सवाल करके और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।